न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है आखिर हमें फ़ूड से क्यों फ़ायदा होता है बच्चों फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले लिखना है फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स जो फ़ूड होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन इज़ एनर्जी गिविंग फूड सेकेंड वन इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड एंड थर्ड वन इज़ प्रोटेक्टिव फूड नाम से ही पता चल रहा है बच्चों एनर्जी गिविंग फूड फूड जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से ही हम एक्टिव रहते हैं और अपने काम करते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि ऐसा फूड जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने में यानी कि बॉडी को बनाने में काम आता है अब बॉडी बनाने का मतलब मसल्स को स्ट्रांग करने में उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में काम आता है थर्ड वन इज़ प्रोटेक्टिव फूड नाम से ही पता है प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन मतलब हमारी सुरक्षा ऐसा फूड जो हमारी सुरक्षा के लिए और सुरक्षा किससे कोई दुश्मन कौन मारने आ रहा है हमें बीमारियाँ डिजीज़ तो डिज़ीज़ से जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है उसका नाम है प्रोटेक्टिव फूड तो बेटा आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले लिखना है ऊपर से हेडिंग डालनी है कंपोनेंट्स ऑफ फूड और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स और इन तीनों के नाम लिखते हैं पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड दे हेल्प अस टू ग्रो वेल एंड बिल्ट आर मसल्स एंड बोन्स जैसे कि मैंने आपको बताया आप हेडिंग डालेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड और उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अब बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में एग फिश मीट मिल्क फूड ग्रीन्स पल्सेस यानी कि दालें पीस मटर एग अंडा मीट मिल्क ये सभी होते हैं बेटा बॉडी बिल्डिंग फूड बेटा बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं इनका दूसरा नाम प्रोटीन भी होता है याद रखेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड का दूसरा नाम प्रोटीन भी होता है तो आपने हेडिंग डालनी है बॉडी बिल्डिंग फूड आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में आगे प्रोटीन्स भी लिख सकते हैं फिर आपको इसकी डेफ़िनेशन लिखनी है और फिर आपको उसके एग्ज़ाम्पल्स लिखने है। ये देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड के और एग्जांपल ये सभी एग्जांपल्स बेटा आपको वन टू थ्री फोर इस तरह से सीरियल नंबर डाल के लिखने ही लिखने हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज़ एनर्जी गिविंग फूड नाम से ही पता चल रहा है दे गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले ऐसा फूड जो हमें काम करने के लिए खेलने के लिए एनर्जी देता है अगर हम इस फूड को ना खाएं तो हम बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं हमसे काम नहीं हो पाता है ना देखिए जैसे एग्जांपल पोटैटोज़ राइस ब्रेड घी शुगर बटर ये सब होते हैं एनर्जी गिविंग फूड आपको पता है जब आप स्कूल में खेलते हैं स्कूल में पढ़ने आते हैं तो हमेशा क्या होता है हम जब स्टार्टिंग के फर्स्ट पीरियड से लेके लंच पीरियड तक पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं फिर एनर्जी के लिए आप क्या करते हैं मम्मी आपको पराठा दे के रखती है ना तो आप हाँ पराठा जब खाते हैं उसके बाद आप एकदम से एनर्जाइज हो जाते हैं तो ये होता है एनर्जी गिविंग फूड एनर्जी गिविंग फूड का दूसरा नाम होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फ़ैट्स आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंड फैट्स थर्ड वन इज़ प्रोटेक्टिव फूड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ेस एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग एल ऐसे फूड होते हैं जिनको खाने से हमें ताकत मिलती है और हमारे ये फूड जो होते हैं हमें बीमारियों से बचाने में हमारी सुरक्षा करते हैं आपने देखा है ना कहते हैं खूब वेजिटेबल्स खाओ बच्चों फ्रूट्स खूब खाने चाहिए क्यों क्योंकि इनसे हमारी बॉडी जो होती है वो बीमारियों से बची रहती है तो बच्चों आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा इसके बाद आपको ये सभी तीनों के तीनों पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं इनकी डेफिनेशन लिखनी है और इनके एग्जांपल्स लिखने हैं प्रोटेक्टिव फूड का मतलब जो दूसरा होता है बेटा वो हम मान के चलिए आपका होता है विटामिन एंड मिनरल्स जितनी भी सब्जियान फ्रूट्स होते हैं वो सब प्रोटेक्टिव फूड के अंडर आते हैं लास्ट में ये वर्कशीट है ये वर्कशीट आपको अपनी कॉपी में करना है ये वर्कशीट कैसे करना है क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वन आउट ऑड वन आउट का मतलब होता है हर नंबर में आपको नंबर वन में देखिए एप्पल रेडिश बनाना जितनी भी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं उनमें से कुछ एक जैसी होती हैं और सिर्फ एक ऐसी होती है जो सबसे अलग होती है तो जैसे एप्पल है वो फ्रूट है रेडिश यानी कि मूली और बनाना यानी कि अगेन फ्रूट तो दो फ्रूट हैं और एक सब्जी है तो इसमें से अलग कौन सा हुआ सब्जी अलग हुआ यानी कि रेडिश को हम सर्कल कर देंगे सेकेंड वन इज़ मैंगो ऑरेंज एंड पोटैटो इसमें आप देखेंगे मैंगो एंड ऑरेंज दोनों के दोनों अगेन फ्रूट्स हैं और पोटैटो है वेजिटेबल तो हम वेजिटेबल को यानी कि पोटैटो को अलग कर देंगे थर्ड वन में देखिए अनियन पनीर एंड कर्ड आप देखेंगे अनियन वेजिटेबल है पनीर और कर्ड जो है पनीर आप सबको पता है कर्ड मतलब दही ये दोनों हमें दूध से मिलते हैं तो अनियन पनीर और कर्ड में समथिंग डिफरेंट क्या हुआ अनियन तो अनियन को सर्कल कर देंगे नेक्स्ट वन है पास्ता मिल्क एंड नूडल्स आप देखेंगे पास्ता और नूडल्स जंक फूड में अनहेल्दी फूड में आता है और मिल्क जो है हेल्दी फूड में आता है इसलिए मिल्क को हम यहाँ पे मिल्क अलग हो गया तीनों से तो मिल्क को हम सर्कल करेंगे फिर है राइस व्हीट एंड रोज़ राइस और वीट दोनों के दोनों सीरियल्स हो गए हैं खाना हो गया फूड है और आर ओ ऐसी रोज़ है फ्लावर, तो हम यहाँ पे फ्लावर बिल्कुल अलग हो गया तो फ्लावर को सर्कल कर देंगे ठीक इसी तरीके से नीचे कुछ इमेजेस आपको गिवन है आपको इन इमेजेस को पहचानना है और इनके नाम इनके नीचे लिख देने हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू बेटा बाय बाय